अक्टूबर का महीना छाती के सरतान यानी ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही का महीना है, अवेयरनेस का महीना है। इस माह में बहुत सी तंजीमें और एनजीओज इस इंतहाई ख़तरनाक बीमारी से मुतालिक आगाही फराहम करने की काविशें करती हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि औरतों को होने वाले कैंसर में अब ब्रेस्ट कैंसर सर फहरिस्त है, ऑन टॉप है, और दुनिया भर में कैंसर में सबसे ज़्यादा आम किस्म, कॉमन किस्म छाती का सरतान ही है, यानी ब्रेस्ट कैंसर है। यूँ तो छाती के सरतान से मुतालिक लोगों और बिलखसूस ख़वातीन में आगाही पहले से बढ़ी है, लेकिन अभी भी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इस बीमारी से मुतालिक बहुत कुछ नहीं जानती। हकीकत में हम सभी इस कैंसर के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, इश्तहार देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, लेकिन हम ही में से ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिनके लिए ब्रेस्ट कैंसर का मौजू टॉपिक एक टैबू है, एक शजर ममनुआ है, और वो ये इश्तहार देखना पसंद नहीं करते, इससे जुड़ी खबरें नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और इस बारे में कोई बात सुनते हैं और ना ही करते हैं। यही वजह है कि एशिया में पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है, और पाकिस्तान में हर 9 ख़वातीन में से एक को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा है, रिस्क है, जिसका मतलब यह है कि मुल्क में, पाकिस्तान में तकरीबन 1,20,00,000 ख्वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क मौजूद है।